सदाकत तो 2 साल से अवैध तरीके से रह रहे थे यहाँ पे, इनका ला का कोर्स कम्प्लीट हो गया था, इनको छोड़ के चले जाना चाहिए था। मना करने के बाद भी इनका कमरा सीज हो गया था और हॉस्टल प्रशासन तथा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मिलकर इसको सीज कराया था। 7 कमरे सीज हुए थे, मगर बाद में भी जबरदस्ती मना करने के बाद भी ताला तोड़ के रहते थे। जब आपसे कभी बहस हुई है इसकी, जब आपने कहा आप अवैध तरीके से रह रहे हैं सदाकत, तो क्या कभी आपसे बहस हुई है या किस तरीके से आपने नोटिस आपकी तरफ से दी गई थी? मैं सर हमेशा अक्सर नोटिस निकालता रहता हूँ कि जो भी अवैध छात्र, अभी भी सर नोटिस बोर्ड में नोटिस लगी हुई है कि जो भी अवैध छात्र हॉस्टल तत्काल प्रभाव से छोड़ दें, अन्यथा यूनिवर्सिटी प्रशासन हॉस्टल प्रशासन की वजह की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। मगर कुछ लोग ऐसे जबरदस्ती करने के बाद ही जबरदस्ती टिके रहते हैं, भागते हैं। अच्छा, कब खत्म हुआ इसका नोटिस पीरियड था कि कब ये अवैध, कितने सालों से यहाँ रह रहा था अवैध तरीके से? 2 साल से, 2 साल इनका कोर्स कंप्लीट हो गया, तब तक इनको छोड़ देना चाहिए था, मगर अभी भी वो ताला तोड़ के रह रहे थे बिना परमिशन के। कितने बच्चे रह रहे हैं अवैध तरीके से यहाँ पर जिसकी आप? इस समय कितने बच्चे होंगे? अभी 60-65 बच्चे रह रहे होंगे सर। अभी भी जी? तो आपको नहीं लगता आपने कभी रोका और ना रुके? मैं अक्सर रोकता रहता हूँ और सबसे ज़्यादा नोटिस मैं ही निकालता हूँ कि अवैध लड़के जो हैं हॉस्टल खाली कर दें, और मैं ही सुप्रिंटेंडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्ट मैं बाइने में एफआईआर करता हूँ सभी लोगों को। विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रशासन आप क्या मदद नहीं करता है? कभी कभी कर, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब कभी हर हॉस्टल में रेट पड़ती है तभी लोग हमारे हॉस्टल में भी मदद करते हैं। चलिए क्या है, जो हमारा हॉस्टल ट्रस्ट का हॉस्टल है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यही हेल्प मिल जाती है कि लोग रेड रोड में हमारी सहायता कर देते हैं। अच्छा, 36 नंबर कमरे में सदाकत रहता था, क्या या कोई और भी उसके रिलेटिव जैसे भाई या कुछ और भी कोई भी रहता था यहाँ करके उसके अलावा? वो पहले तो नहीं, मतलब ताला तोड़ के रहते थे, अब कौन इनके साथ रह रहा सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन। अच्छा, कभी कोई अतीक का कोई जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं, बेटे के नाम सामने आ रहे हैं, क्या कभी अतीक के बेटे यहाँ पर देखे गए हैं हॉस्टल में? नहीं सर, मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि इस तरह के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती हमारे।